हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स। प्लाज्मा प्रोटीन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द प्लाज्मा प्रेजेंट इन प्रोटीन आर, जो प्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन में वो होते हैं एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। सो एल्ब्यूमिन जो होता है वो हेल्प करता है ऑस्मेटिक प्रेशर को मेंटेन करने में हमारी बॉडी में। ग्लोबुलिन क्या करता है, इट हेल्प्स इन डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी को बाहर की इन्फेक्शन से बचाता है। देन फिब्रिनोजन जो होता है ये हेल्प करता है क्लॉटिंग में, कभी भी हमें चोट लग जाए, कुछ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, कहीं कट लग जाए तो वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, और ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो है वो कौन काम करता है, फिब्रिनोजन। फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। पहला क्या है फंक्शन इसका, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन डिफेंडिंग इन्फेक्शन, वही इन्फेक्शन से बचाता है हमारी बॉडी को। ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन्स में मदद करता है और मेटल्स की ट्रांसपोर्टेशन में। जो हार्मोन्स हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं वो जो है वो एल्ब्यूमिन करता है, और जो मेटल्स को ट्रांसपोर्ट करता है वो है अल्फा एंड बीटा ग्लोबुलिन। देन कम्स एसिड बेस बैलेंस, ये क्या करता है, एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखता है। जो एल्ब्यूमिन है वो एक एसिड है, तो क्या होता है अगर हमारी बॉडी में कुछ बेस जो है बहुत ज़्यादा हो गया है तो ये क्या करता है, एल्ब्यूमिन की जो क्वालिटी है वो है एसिड, और अगर बेस ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करता है, उसको बफरिंग एक्शन के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज करता है, एसिड बेस को बैलेंस कर देता है। देन कम्स 6 point विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की विस्कोसिटी को बनाए रखता है। विस्कोसिटी क्या हो गई, विस्कोसिटी का मतलब जो ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है, ना ज़्यादा ब्लड को थिक होने देता है ना ही ब्लड को ज़्यादा थिन होने देता है, जिसकी वजह से जो आपका बीपी है वो मेंटेन रहता है। मींस एल्ब्यूमिन, और उसमें कौन मदद करता है हमारा, कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन मदद करता है विस्कोसिटी ऑफ ब्लड में, वो करता है हमारा एल्ब्यूमिन। देन कम्स 7 point इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो है कौन मदद करता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में। एक्चुअली इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट क्या होता है, इसमें ये होता है, ये वो रेट होता है जिसमें हमारे जो RBCs है वो सेटल डाउन हो जाते हैं। कैसे, जो RBCs हैं उनकी उनका जो काम है वो है हेल्प इन रोलेक्स फॉर्मेशन। तो ग्लोबुलिन और जो फिब्रिनोजन है वो मदद करते हैं ESR में हमारी मदद में। सो ये जो ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन है ये क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये मदद करते हैं ESR में। देन कम्स 8 point सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ RBCs। RBCs का सस्पेंशन स्टेबिलिटी क्या है, मीन्स जो RBCs है हमारी बॉडी में वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए होने चाहिए, ये कौन करता है, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। सो ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन हेल्प्स इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ RBCs यूनिफॉर्मली इन ब्लड, सो दैट इट कैन ईजिली फ्लो। सो RBCs को डिस्ट्रीब्यूशन हमारे ब्लड में वो यूनिफॉर्मली होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए, ताकि वो आसानी से फ्लो कर सके। देन 9th point इज प्रोडक्शन ऑफ ट्रिफोन सबस्टांस। ट्रिफोन सबस्टांस क्या होते हैं, ये वो हार्मोन्स हैं प्रेजेंट टिश्यू कल्चर फॉर देयर ग्रोथ, ही क्या करते हैं, ट्रिफोन सबस्टांस कौन से होते हैं, ये वो हार्मोन्स हैं जो हमारे टिश्यू कल्चर में प्रेजेंट होते हैं उनकी ग्रोथ के लिए। सो ये उन हार्मोन्स की भी प्रोडक्शन में मदद करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स। देन रिजर्व प्रोटीन, रिजर्व प्रोटीन क्या हो गए, दीज आर यूज when there is lack of energy in our body like during exercise, walking or some work. Reserve protein वो proteins होते हैं, क्या मदद करते हैं, जब भी हमारी body में कहीं पे हम कोई exertion कर लेते हैं या कोई fast रखा है या exercise करके आए हैं तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, बट उस समय हम खाना नहीं ले पा रहे, किसी भी तरह का इंटेक नहीं ले पा रहे हैं, तो उस समय जो ये जो रिजर्व प्रोटीन है हमारी बॉडी में उस समय ये एक्ट करते हैं एज ए एनर्जी। सो ये थे हमारे 10 functions फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। तो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।